चॉकलेट एक यूनिवर्सल ट्रीट है। दुनिया भर में लोग चॉकलेट के स्वाद को बहुत पसंद करते हैं। दुनिया में कुछ सबसे पुरानी कंपनियां दशकों से बेहतरीन चॉकलेट का उत्पादन करती आ रही है, जो बरसों से हमारे जुबान पर राज कर रहे हैं। आज हम 70 साल पुराने एक बेहतरीन और यूनिक चॉकलेट रेसिपी लाए हैं और वो है बाउंटी चॉकलेट। नमस्कार दोस्तों, हबास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नारियल की फिलिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई में 1.5 कप दूध डालेंगे। इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी और अच्छे से मिला देंगे। गाढ़ा फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें ताकि टेस्ट अच्छे से आए। अच्छे से मिलाएंगे ताकि चीनी पूरी तरह से पिघल जाए। अब इसमें डालेंगे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा और अच्छे से मिला देंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे। नारियल अच्छे से दूध के साथ घुल चुका है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें सारा दूध सोख नहीं जाता है। दूध पहले से काफी सूख चुका है। अब इसी स्टेज में हम डालेंगे 1/4 कप क्रीम और अच्छे से मिला देंगे। क्रीम डालने से चॉकलेट में बढ़िया सा स्वाद आता है। लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पे पकाएंगे। आप चाहो तो दूध और क्रीम के बदले कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको नारियल को इस तरह पकाने की जरूरत नहीं है। इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि दूध पूरी तरह से सूख के ये आकार पकड़ सके। ये तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। इस चॉकलेट बनाने के लिए आपको कोई मोल्ड्स की जरूरत नहीं है, हाथों से आसानी से बन सकता है। ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा मिश्रण लेके हाथों से इस तरह दबाते हुए लंबा कर शेप देंगे। आप चाहो तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके पसंदीदा फ्रूट फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं। और हाथों से थोड़ा चपटा करेंगे और साइड्स को हल्के से दबाते हुए इस तरह बार शेप देंगे। इसी तरह सारे बार्स को हम तैयार करेंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम तैयारी करेंगे चॉकलेट कोटिंग की। पतीले में उबलता हुआ पानी के ऊपर एक बड़ा कटोरी रखेंगे। इसमें 300 ग्राम मिल्क चॉकलेट डालेंगे और चॉकलेट को पिघलाएंगे। इस तरह चॉकलेट मेल्ट करने के तरीके को डबल बॉयलर मेथड कहते हैं। ध्यान रहे कटोरी पानी को टच ना करे। आप मिल्क चॉकलेट के बदले डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे लगातार चलाते रहे ताकि चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट पिघला सकते हैं। देखिए चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट होके एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर आ चुका है। ये तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। चॉकलेट को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अगर चॉकलेट ज्यादा गर्म रहा तो कोकोनट बार्स को डिप करते वक्त ये पूरी तरह से पिघल जाएगी। 1 घंटे के बाद कोकोनट बार अच्छे से जम चुकी है। इसे हम मेल्टेड चॉकलेट में इस तरह डालेंगे और धीरे से सारे तरफ चॉकलेट को कवर करेंगे। अब कांटे की मदद से इसे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट को घिरने देंगे और बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। इसी तरह सारे चॉकलेट्स को तैयार करेंगे। अब चॉकलेट के ऊपर हल्के से इस तरह कट लगाएंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुके हैं। हमारा यम्मी बाउंटी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है। आप लोगों में से किस किस को बाउंटी चॉकलेट पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।